बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर एमडीकेट स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेप्स में खुश आमदीद। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर अली ताहिर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूएचएस केमिस्ट्री बुक टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक 3 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इज ड्यू टू। ऐसे एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, और जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। और किसी स्पीशी के पास जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतना ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है। तो राइट ऑप्शन इज अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेकिंग प्लेस इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। राइट ऑप्शन इज बीटा। किसी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी है वो डिपेंड करता है कि सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर होगी, और अगर dsp3 है तो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल होगी, और अगर d2sp3 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, चिलेट्स आर मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस। तो पहली ऑप्शन ही ठीक है, चिलेट्स आम कॉम्प्लेक्सेस के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल होते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंसेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये पीछे बात हो चुकी है कि पैरामैग्नेटिज्म ऐसी स्पीशीज शो करती हैं जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो राइट ऑप्शन मस्ट बी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन गैस अ स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजन एटम्स इन मॉलिक्यूल, एंड देयरफॉर नाइट्रोजन गैस इज कंप्लीटली इनर्ट लाइक नोबल गैसेस। राइट ऑप्शन मस्ट बी चार्ली। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड होता है और उसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। जब हम सांस लेते हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन भी जाती है, नाइट्रोजन भी जाती है, लेकिन नाइट्रोजन जैसे बॉडी में जाती है वैसे ही बाहर आ जाती है, जबकि ऑक्सीजन ब्लड के साथ रिएक्शन करती है। नाइट्रोजन के रिएक्शन ना करने की वजह क्या है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है जैसे नोबल गैसेस बिहेव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर कन्वर्शन ऑफ SO2 टू SO3 इज। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, तो सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करके इसे सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, उस वक्त कैटलिस्ट यूज होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। एक और प्रोसेस है जिससे हम सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करते हैं, उसका नाम है लेड चैम्बर प्रोसेस, और वहां पर सेम रिएक्शन के लिए हम नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को कैटलिस्ट यूज करते हैं। लेड चैम्बर में नाइट्रिक ऑक्साइड और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन KMnO4, K2MnO4, MnO2 एंड MnSO4 इज इन द ऑर्डर। तो KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इधर +6 है, यहां पे +4 और इधर +2 है, तो ये ऑर्डर चार्ली बन रहा है, +7, +6, +4 एंड +2। राइट ऑप्शन मस्ट बी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच पेयर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। 3D सीरीज में कॉपर और क्रोमियम ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑफ बॉ प्रिंसिपल्स को ओबे नहीं करते। क्रोमियम में 4s से इलेक्ट्रॉन जम करके 3D में चला जाता है ताकि तमाम d ऑर्बिटल्स पार्शली फिल्ड हो जाए,
और कॉपर में 4s से एक इलेक्ट्रॉन जम करके 3d में चला जाता है ताकि तमाम d ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे सबशेल जिनके ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली या पार्शियली फिल्ड हो वो एटम ज़्यादा स्टेबल होता है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन पेयर हैज सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। हमने बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। यहाँ पे प्लस टू है और इधर भी प्लस टू है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन K3FeCN6, पोटेशियम हेक्सासियानोफेरेट 3 इज। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैगनीज इज। मैगनीज के पास 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसके डी सबशेल डी ऑर्बिटल सारे पार्शली फिल्ड होने चाहिए। तो राइट ऑप्शन मस्ट बी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ये बताना है कि कौन सी लाइट को ट्रांसमिट करता है। ये कॉम्प्लेक्स येलो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रेड और ब्लू को ट्रांसमिट करता है जिसके मिलने से वायलेट कलर बनता है। तो जिन दो वेवलेंथ को ये ट्रांसमिट करता है वो है रेड एंड ब्लू। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गोल्ड इज। गोल्ड का ताल्लुक उसी खानदान से है जिससे कॉपर का ताल्लुक। कॉपर में भी 4s से इलेक्ट्रॉन 3d में चले जाते हैं, इसी तरह गोल्ड में इलेक्ट्रॉन 6s से 5d में चले जाएंगे ताकि तमाम ऑर्बिटल्स डी सबशेल की कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएं और ऐसा होने के बाद एटम ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो राइट ऑप्शन मस्ट बी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोन बाय क्रोमियम एंड कॉपर अमंग 3d सीरीज ऑफ एलिमेंट इज ड्यू टू। ये बात पहले ही हो चुकी है कि कॉपर और क्रोमियम में 4s इलेक्ट्रॉन जम करके 3d में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि जब ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली या पार्शली फिल्ड होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो राइट ऑप्शन मस्ट बी बीटा, स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद दिस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच एलिमेंट ऑफ 3d सीरीज ऑफ पीरियोडिक टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d8 एंड 4s2। यानी उसके पास टोटल 28 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और ऐसा एलिमेंट जिसके पास 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे हम निकल कहते हैं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ligands having two lone pair of electrons for donation to the central transition metal ions are known as। ऐसे ligands जो दो lone pair donate करते हैं उन्हें हम कहते हैं bidentate ligand। अगर कोई ligand एक ही electron का pair donate करता है तो उसे monodentate कहते हैं। अगर six electron pair donate करता है तो उसे hexadentate ligand कहते हैं। हमसे पूछा गया है दो लॉन पेयर जो डोनेट करता है उसे क्या कहते हैं, उसका नाम है बाई डेंटेट लिगेंड। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज। आपने बताना है इस कॉम्प्लेक्स की शेप क्या होगी। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ जो लिगेंड्स अटैच हैं वो टोटल तादाद में 6 है, यानी इसे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहे हैं। इस केस में इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3, और जब d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। राइट ऑप्शन मस्ट बी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्कैंडियम हैज एटॉमिक नंबर 21, विच वन विल बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम में डी के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इन चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसी है जिसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन है।
राइट ऑप्शन इज चार्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वायलेट कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज ड्यू टू. ये क्वेश्चन पहले भी आया है, हमने बताना है इसकी कलर की वजह क्या होती है. जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कलर शो करते हैं उसकी रीजन होती है डी डी ट्रांजिशन. और डी डी ट्रांजिशन किस में हो रही होती है, सेंट्रल मेटल एटम के अंदर, जिसके अंदर डी सब्शन पाया जाता है तो उसमें डी डी ट्रांजिशन पाई जाती है. तो राइट ऑप्शन इज सेंट्रल मेटल आयन अल्फा. डियर स्टूडेंट, ये था यूएचएस पास्ट पेपर्स बुक टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक नंबर 3 ट्रांजिशन मेटल्स. अगर आप यूएचएस केमिस्ट्री के तमाम पास्ट पेपर्स की डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें. मेरे लेक्चर्स को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो एमडी कैट या एफएससी की तैयारी कर रही है, ताकि उन्हें आइडिया हो सके कि एमडी कैट में किस किस्म के एमसीक्यूज आते हैं. आपका बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.